दोस्तों, अपने फिल्मी कैरियर में सलमान खान को वो शोहरत हासिल है जो कम ही कलाकारों को मिलती है। आज के इस वीडियो में हम आपको कुछ ऐसे ही किस्सों के बारे में बताएंगे जिससे ये साबित हो जाता है कि सलमान खान शादीशुदा न होते हुए भी कितनी लड़कियों के साथ शारीरिक संबंध बना चुके हैं। जी हाँ दोस्तों, ये वीडियो देखकर आपको पता चल जाएगा कि सलमान खान आखिर शादी करने के लिए राजी क्यों नहीं होते हैं। आपको बता दें कि बॉलीवुड की कई खूबसूरत अभिनेत्रियों को सलमान खान अपनी हवस का शिकार बना चुके हैं। इनमें से कुछ अभिनेत्रियां तो ऐसी हैं जिनके पेट में सलमान खान का बच्चा ठहर चुका है, जिसके बाद मजबूरी में उन्हें अबॉर्शन कराना पड़ा। लेकिन इन अभिनेत्रियों के बारे में बताने से पहले आपको सलमान खान की असलियत से रूबरू करवा देते हैं। दोस्तों, सलमान खान का जन्म इंदौर में 27 दिसंबर 1965 को हुआ था। बहुत ही कम लोगों को ये पता है कि सलमान खान का पूरा नाम अब्दुल रशीद सलीम सलमान खान है। सलमान खान फेमस लेखक सलीम खान और उनकी पहली पत्नी सलमा के बड़े बेटे हैं। सलमान बॉलीवुड में अपने करियर को लेकर भी काफी चर्चा में रहे हैं। सलमान ने अपने करियर की शुरुआत 1988 में बीवी हो तो ऐसी से की थी। हालांकि इसमें सलमान खान सह कलाकार के रूप में ही नजर आए थे, लेकिन 1989 में सलमान खान ने लीड एक्टर के रूप में मैंने प्यार किया से शुरुआत की थी। इसमें उनके साथ नजर आई थी भाग्यश्री, लेकिन फिल्मों में आने से पहले ही सलमान का नाम अभिनेत्रियों के साथ लिंक होने लगा था। सलमान खान की लाइफ में सबसे पहले एक्ट्रेस संगीता बिजलानी ने एंट्री की। 1980 में जब संगीता ने मिस इंडिया का ताज जीता, उसके बाद से ही सलमान के साथ उनके लिंगअप की खबरें खूब चर्चा में थी। लेकिन ये रिश्ता ज्यादा समय तक नहीं रहा और दोनों के बीच कड़वाहट आ गई। संगीता बिजलानी ने पूर्व क्रिकेट टीम के कप्तान मोहम्मद अजहरुद्दीन से शादी कर ली। संगीता बिजलानी के जाने के बाद सलमान खान की जिंदगी में एंट्री की पाकिस्तान की 19 साल की एक्ट्रेस सोमी अली ने। दोनों के बीच काफी अच्छा रिश्ता रहा। सोमी अली ने एक इंटरव्यू में बताया था कि 15 साल की उम्र में ही उन्हें सलमान पर क्रश था और वह तभी से सलमान से शादी करना चाहती थी और यही कारण था कि सोमी ने बॉलीवुड में कदम रखा। लेकिन इन दोनों का रिश्ता भी किसी कगार पर नहीं पहुंच पाया। खबरों की माने तो सलमान खान शादी से पहले ही सोमी अली के साथ शारीरिक संबंध बनाने पर उतारू थे, जिसके लिए सोमी अली राजी नहीं हुई। 8 साल तक एक दूसरे को डेट करने के बाद दोनों अलग हो गए। सोमी ने सलमान खान से अलग होने का कारण उनकी शराब की लत और गंदा व्यवहार बताया। सोमी से ब्रेकअप होने के बाद सलमान की लव स्टोरी ऐश्वर्या राय के साथ शुरू हो गई। साल 1999 में आई फिल्म हम दिल दे चुके सनम के दौरान उनकी लव स्टोरी शुरू हुई। दोनों का प्यार काफी परवान चढ़ा, लेकिन 2002 में दोनों की लव स्टोरी का अंत हो गया। इन दोनों की लव स्टोरी के अंत का भी यही कारण बताया गया, क्योंकि सलमान खान किसी भी हीरोइन के साथ प्यार का नाटक केवल अपनी हवस को पूरी करने के लिए ही करते थे। दोनों के अलग होने का कारण यही था। सलमान का गंदा व्यवहार ऐश्वर्या को परेशान कर रहा था, जिसके चलते उन्होंने सलमान से अलग होने का फैसला कर लिया। ऐश्वर्या के लाइफ से जाने के बाद सलमान खान उन्हीं की हमशक्ल स्नेहा उल्लाल को इंडस्ट्रीज में लाए। दोनों के बीच रिश्तों को लेकर काफी चर्चा रही, लेकिन दोनों ने कभी भी मीडिया के सामने कुछ नहीं कहा। अब स्नेहा उल्लाल साउथ इंडस्ट्रीज में काम कर रही है। इसके बाद सलमान की लाइफ में एंट्री मारी कैटरीना कैफ ने। सलमान खान ने कैटरीना कैफ के डूबते कैरियर को सहारा दिया और आज कैटरीना कैफ बॉलीवुड की टॉप एक्ट्रेस में से एक है। कैटरीना सलमान के साथ मैंने प्यार क्यों किया में नजर आई थी। सलमान कैटरीना को लेकर सीरियस थे, लेकिन इस बार भी सलमान खाली हाथ ही रह गए और कैटरीना रणवीर के साथ निकल गई। कैटरीना कैफ का अफेयर सलमान खान और रणवीर कपूर जैसे बहुत से एक्ट्रेस के साथ था, लेकिन हैरानी की बात तो तब हुई जब कैटरीना को अबॉर्शन कराते हुए 3 से 4 बार स्पॉट किया गया और बाद में साफ हो गया कि वो प्रेग्नेंट थी। कैटरीना के पेट में किस हीरो का बच्चा था ये तो अब तक पता नहीं चल पाया है, लेकिन ज्यादातर लोगों का यही मानना है कि सलमान खान ने ही कैटरीना कैफ को प्रेग्नेंट किया था। तो दोस्तों, क्या आप बता सकते हैं कि कैटरीना कैफ के बच्चे का बाप कौन था, सलमान, रणवीर या कोई और? हमें कमेंट करके जरूर बताएं। इसके बाद सलमान खान का नाम कैटरीना कैफ की डुप्लीकेट जरीन खान के साथ जोड़ा गया, लेकिन वह सिर्फ सुर्खियां थी। इसके बाद बिग बॉस की एक्स कंटेस्टेंट फ्लोरिया के साथ भी जोड़ा गया, लेकिन सब हवा में निकल गई। इन दिनों सलमान खान अपनी गर्लफ्रेंड लूलिया बेंथू के साथ ही बिजी हैं। लूलिया एक रोमानिया एक्टर और एंकर है। सलमान के विदेशी ट्रिप के दौरान सलमान लूलिया से मिले थे, उसके बाद वह इंडिया आई। इतना ही नहीं, सलमान ने अर्पिता की शादी में लूलिया को गर्लफ्रेंड कहकर इंट्रोड्यूस भी कराया था। अब देखना यह है कि सलमान खान और लूलिया के बीच ये रिश्ता कितने समय तक बना रहता है। हालांकि लूलिया को सलमान के साथ बगैर शादी के शारीरिक संबंध बनाने में कोई हर्ज नहीं है, इसलिए सलमान खान भी लूलिया को छोड़कर नहीं जाना चाहते और खुशी खुशी अपनी जिंदगी व्यतीत करना चाहते हैं। तो दोस्तों, आपको हमारी ये वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताएं और साथ ही हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें। धन्यवाद।